आइए जानते हैं कि हम लोग 15 अगस्त को, जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक, इंडिपेंडेंस डे 2021 इस साल देश मनाएगा अपना 75 यानी 75वां स्वतंत्रता दिवस। जानिए इस दिन का इतिहास का महत्व। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि लगभग 200 वर्ष, जी हाँ दोस्तों 200 वर्ष जो है अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर हुकूमत किया, अर्थात अपना राज किया। ठीक है, लोग पूरी तरह से हमारे देश को बर्बाद कर दिए। जानते हैं इंडिपेंडेंस डे अर्थात 2021 इस साल 15 अगस्त के दिन देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये दिन देश के उन वीरों, गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है, निशानी है, जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश आजाद कराने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इसको हमें ब्रिटिश शासन 200 सालों के राज से आज़ादी मिली गई थी। इन हम लोग को देखने को मिला हमारे पूर्वजों जो बलिदान दिए देश के लिए। आइए जानते हैं कौन कौन महापुरुष हमारे देश को बचाने के लिए अपना जान निछावर कर दिए और देश के लिए मर मिटे। नाम सुनिएगा तो जरूर जानिएगा, महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम, आजाद सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस समेत भगत सिंह इत्यादि जैसे वीरों ने अपनी आहुति दे करके हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करवाया। ठीक है, उनके बलिदान की वजह से आज हम लोग भारत में सांस ले पाते हैं, जी पाते हैं। इस साल भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम जो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। परंपरा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये लगातार 8वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री लाल किले से अपना भाषण देंगे। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता सभी एथलीटों को इस आयोजन के लिए स्पेशल टीम द्वारा बुलाया गया है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी आयोजन में भी लोगों की एंट्री प्रतिबंध रहेगी और किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। स्वतंत्रता दिवस का इतिहास, 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी लेने में 200 साल लग गए। ठीक है, इस दिन यानी 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। स्वतंत्रता दिवस का महत्व क्या है? स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन विशेष नहीं बल्कि देश के उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करने जा रहा है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जान स्वीकार कर दिया, यानी अपना जान दे दिया दोस्तों। इस प्रकार से हम सभी भारतीय 15 अगस्त के दिन भारत माता का दामन आगे बढ़ाने के लिए, भारत माता का धरती का नाम लेने के लिए, भारत माता की धरती कायम रहे और भारत माता की जय बोलते हुए, इस प्रकार से दोस्तों 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारा भारत देश हमेशा ऊंचा रहे और हमारी भारत की धरती माता हमेशा उज्जवल रहे, यही कामना के साथ दोस्तों मनाते हैं। और हमारे जो धरती है उसको बचाने के लिए हमारे वीर जवान मारे गए, शहीद हो गए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 15 अगस्त को जय जयकार करते हुए मनाते हैं दोस्तों। इसी बात के साथ, आप सच्चे भक्त हैं, सच्चे भारतीय हैं दोस्तों, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, क्या आप भारतीय सपूत हैं, क्या आप भारत के वासी हैं, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद और सभी दोस्तों को 15 अगस्त की शुभकामनाएँ। और इसी उम्मीद के साथ हम सभी दोस्त भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की जय।